नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। साल 2023 देश के लिए काफी ऐतिहासिक साल रहा है। इस साल भारत ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज की गई। सफल चंद्रयान मिशन, G20 की अध्यक्षता और आदित्य L1 मिशन ने भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। भारत का नया संसद भवन, सिलक्यास सुरंग में फंसे लोगों को बचाना और विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत की उपलब्धि बेहद खास रही है। वहीं बालासोर ट्रेन हादसा, मणिपुर हिंसा और हिंसा के दौरान वायरल हुए शर्मनाक वीडियो ने देश को हैरान करके रख दिया। इस खबर में हम साल भर भारत में होने वाली विभिन्न घटनाओं पर नजर डालते हैं जिसने इस साल को यादगार बनाया है। साल की शुरुआत करें तो वह बेहद खराब रहा था, क्योंकि भारत की कई प्रतिष्ठित महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ काफी कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। तो वहीं फरवरी में भारतीय टीम ने ICC की टेस्ट टीम रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करके क्रिकेट जगत में एक नया इतिहास रचकर रख दिया था। मार्च का महीना राजनीतिक हलचल से भरा रहा था। दरअसल पूर्वोत्तर राज्य के चुनाव और राहुल गांधी के लोकसभा से अयोग्य घोषित होने की खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। वहीं अप्रैल में भारत ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ दिया और दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। अप्रैल के मध्य में ही गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम गोली मार कर हत्या कर डाली गई थी। अप्रैल में ही कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब के डेरे प्रमुख अमृतपाल को भी एक महीने तक लगातार पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। मई का महीना देश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भारी झड़प होती देखी गई थी। आगजनी, अपहरण और हत्याओं से पूरा मणिपुर जूझ रहा था। अट्ठाईस मई को ही भारत को उसका नया और अत्याधुनिक संसद भवन मिला। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। देश के लिए जून की शुरुआत बेहद दर्दनाक रही। दरअसल 2 जून को ओडिशा में चेन्नई की ओर जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस और SMBT बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की भीषण टक्कर होती देखी गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा डाली थी। जुलाई के महीने में 2 बड़ी घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी थी। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद वहां पर इंटरनेट बैन कर दिया गया था। एक बेहद शर्मनाक वीडियो इस दौरान वायरल हुआ। इस वीडियो में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में कई पुरुष लेकर घूम रहे थे और उनका वीडियो बना रहे थे। जुलाई में भारत को प्रकृति की मार भी खानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण पूरे राज्य को विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ का सामना करना पड़ा था। तो वहीं 14 जुलाई को भारत ने अपना चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया। अगस्त का महीना भारत के लिए एक ऐतिहासिक महीना बन गया। 23 अगस्त को भारत ने अपने चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करके इतिहास रच डाला। सितंबर के महीने में भी भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। दरअसल इसी महीने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। चीन में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने 100 मेडल के आंकड़े छूकर एक और इतिहास रच दिया। वही नवंबर का महीना कई पहलुओं से काफी अहम रहा। दरअसल जब पूरा देश दिवाली का पर्व मना रहा था तो उस दौरान उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग ढह जाने से 41 मजदूर उसी में फंस गए और एक एक सांसों के लिए तड़पने लगे।
वहीं क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी दुख भरा रहा। 40 रातों तक अजय की तरह आगे बढ़ने के बाद 41वीं रात को भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था। वह दिसंबर की शुरुआत राजनीतिक मायने से काफी महत्वपूर्ण रही। दरअसल 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनावी परिणाम सामने आए थे, जहां 3 राज्यों में भाजपा को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में JDPM पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। मध्य दिसंबर में संसद भवन हमले की सालगिरह पर एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कुछ लोग अंदर कूद गए और कैन से पीले रंग का धुआं छोड़ दिया। हालांकि थोड़ी ही देर में सांसदों द्वारा उन पर काबू पा लिया गया था। अब हम आपको छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में 2023 की ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके लिए ये साल जाना जाएगा। जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम को पहली बार वनडे और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली। कांग्रेस के प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा बड़ा फैक्टर था। कांग्रेस सरकार इसे 4 साल तक दबाए बैठी रही और अंतिम साल में 26 जनवरी को जगदलपुर के आजादी के समारोह में तत्कालीन CM भूपेश बघेल ने ऐलान किया। फिर वहीं 20 फरवरी को कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगाकर 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने पर पहल शुरू की गई। 2023 में छत्तीसगढ़ को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत विशाखापट्टनम तक 4-लेन सड़क की सौगात मिली। 10 फरवरी छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जिसने हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाया। 12 फरवरी आरक्षण मुद्दे पर राजभवन सरकार विवाद पर नए राज्यपाल का आदेश। 12 फरवरी को राज्यपालों को बदलने का आदेश आया। फरवरी माह में कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में अपना 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया था, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे थे। अधिवेशन के दौरान सड़क पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाकर प्रियंका गांधी के स्वागत ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और पार्टी को विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस वर्ष कथित कोयला लेवी, शराब और महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप घोटालों के सिलसिले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों के परिसरों पर ED के कई छापे मारते देखे गए। वहीं 15 मार्च को छत्तीसगढ़ में BJP ने 16 लाख अधूरे PM आवास के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव किया। वहीं नंद कुमार साय BJP छोड़ कांग्रेस में आ गए। मार्च 2023 में छत्तीसगढ़ को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली। 25 मार्च को CRPF का 84वां स्थापना दिवस पहली बार छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। बेमेतरा जिले के बिरनपुर में 8 अप्रैल को भुवनेश्वर साहू की हत्या के मामले में पहली बार बड़ा सियासी रंग दिखाया, जब इसके 2 दिन बाद 10 अप्रैल को हिंदू संगठनों ने प्रदेश बंद का ऐलान किया। वहीं 25 अप्रैल को नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इसमें DRG के 9 जवान शहीद हुए थे, जबकि वाहन चालक की जान भी चली गई थी। 29 जून को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को डिप्टी CM बनाया गया। 23 जुलाई विधानसभा के बजट सत्र में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपनी ही पार्टी पर DMF फंड को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने इसी बात को लेकर इस्तीफा दे दिया था। आखिरकार ED की इस मामले में एंट्री हुई और फिर आगे चलकर मामले के मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी और CM भूपेश बघेल के निजी सचिव सौम्या चौरसिया जैसे बड़े अफसरों की गिरफ्तारी की गई। 23 जुलाई को IAS रानू साहू भी गिरफ्तार कर ली गई। जुलाई माह में युवकों के एक समूह ने राजधानी में विधानसभा के रास्ते पर नग्न विरोध प्रदर्शन किया। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण हुआ। BJP के विधायक विद्या रतन भसीन का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। चुनाव से पहले ED ने महादेव एप मामले से जुड़े कथित कैश कुरियर आसिम दास को गिरफ्तार किया। ED ने महादेव एप मामले में CM बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकानों पर भी छापेमारी की। जंगल सफारी में दिसंबर 2023 में करीब 20 काले हिरणों की मौत हो गई,
वहीं 3 दिसंबर का नतीजा राजनीति के जानकारों की अटकलबाजियों पर विराम लगा दिया और बीजेपी ने 5 साल बाद फिर दमदार वापसी ली। तो ग्रैंड एशियन की खास पेशकश इमेजेस से फिलहाल इतना ही। बनी रही हमारे साथ और लगातार देखते रहिए खबरें। नमस्कार।